खबर छपरा बिहार से। जामनौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कृष्ण कुमार मंटू के द्वारा आज छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी की आवासीय परिसर से बाइक रैली निकाली गई। वहीं मंटू सिंह के समर्थन में छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी भी इस रैली को सफल बनाने हेतु साथ में मौजूद दिखे। साथ ही रैली से पूर्व सांसद राजीव प्रताप रूडी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें उन्होंने चुनाव से संबंधित कई बातों को रखा। वहीं उन्होंने कहा कि कल छपरा के हवाई अड्डे मैदान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें अधिक से अधिक लोग पहुंच कर कार्यक्रम को सफल बनाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमनौर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कृष्ण कुमार मंटू ने अपने शारीरिक और अव्यवस्था के कारण लोगों से अधिक जनसंपर्क नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने आग्रह किया है कि इस बात को लेकर हमारी जनता दुख न माने। तो आइए चलते हैं सांसद राजीव प्रताप रूडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 3 तारीख को मतदान है, अपने विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को आप क्या कहेंगे? सभी अमनौरवासियों को मेरा नमस्कार है। सभी आग्रह करेंगे कि मतदान करें, पर्व है लोकतंत्र का, इसमें जो भी और अपना मत प्रयोग करें। आपका शरीर अस्वस्थ हुआ था और इसके बावजूद भी आप फिर एक बार आए, क्या कहेंगे लोगों को? स्वस्थ लग रहा था शरीर है, सब लोग तबियत अच्छा और बुरा होता है, एकदम ठीक है और जनता के आशीर्वाद से पूर्णतः स्वस्थ हूँ और सब लोग की सेवा में लोग जेडीयू के पास है। और मैं एक एक करके बताना चाहूँगा कि सोनपुर में विनय सिंह हमारे विधायक बनेंगे, ज्ञान सिंह मांझी बहुमत के साथ, बड़ी बहुमत के साथ जीत रहे हैं, छपरा में दोबारा सीएम गुप्ता रिपीट होंगे और अमनौर में पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए मंटू सिंह जी, अमनौर से भी बहुत अच्छी स्थिति है, मैं यहाँ बैठा, और अल्ताफ राजू महाराणा में, और आज मैं रोड शो करने वाला हूँ और मुझे विश्वास है कि आज के रोड शो के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय जी के पुत्र, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय जी की भी बड़ी जीत। परसा अभी 1 बजे से मेरा रोड शो है, 2 बजे से 1:30 बजे से यात्रा प्रारंभ करें और मुझे कल प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, बड़ी तैयारी, बिहार का सबसे बड़ा तैयारी सारण की धरती पर है और हमेशा की तरह छपरा जब भी प्रधानमंत्री जी पहले आए तो सबसे बड़ी संख्या में लोग गए हैं और जो हमारी तैयारी है, लोगों का आकर्षण है, प्रधानमंत्री को देखने का आकर्षण है और देश का नेतृत्व जिसके पास है, इसके कारण हम लोग लोकसभा में 303 की संख्या में बैठे और दोबारा NDA की सरकार बहुमत के साथ आई है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ हमारा गठबंधन है, हम पार्टी भी हमारे साथ है और VIP पार्टी भी हमारे साथ है, निषाद साहब भी हमारे साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बड़ी बहुमत के साथ फेज 1 का चुनाव का, फेज 2 में हम और जबरदस्त तरीके से जीतेंगे और फेज 3 में तो बिहार में फिर से हमारी सरकार बनेगी और बहुमत की सरकार। विकास के बारे में कई चर्चाएं हम लोग करते रहे और सारण जिला के विकास के बारे में हमने कई विषयों पर पहले भी चर्चा की है और सबसे पहले आज के नौजवानों के लिए परिवर्तन, आगे की दिशा और देश के मानचित्र पर बिहार को सबसे नंबर 1 बनाना, यह हमारा लक्ष्य है और इसके लिए हर तरीके से प्रयास किया जाएगा। और कई लक्ष्यों के बीच में वाल्मीकि नगर का सड़क, जो फ्री हाईवे बनेगा, इंग्लैंड वाटर वेज का सड़क, छपरा में प्रत्येक घर 4.5 लाख घरों में गैस पाइप लाइन, छपरा में यूटिलिटी डक्ट कॉरिडोर, कल्लू घाट का टर्मिनल, अमनौर का बाईपास, परसा का बाईपास, गरखा का बाईपास, नगरा का बाईपास, खैरा का बाईपास और छपरा में निचला रोड इनाई से होकर के बाईपास, ये सभी योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं और छपरा का नक्शा बदला रहेगा। बाढ़ में बहुत नुकसान हुआ, छपरा में कोई बाढ़ नहीं।